Yes, sir, you can start off. If. Start. Even end of a campaign, as a captain, World Cup, so your first reactions on the match first, and then to the entire World Cup campaign, what do you feel? ओवरऑल सर मैच का तो डेफिनेटली क्योंकि विन इम्पॉर्टेंट होती है और जीतें अच्छी बात है, बट टूर्नामेंट की बात करूँ फर्स्ट मैच से अब तक आई थिंक हम मैच हारे नहीं अभी तक, सिवाय वो न्यूजीलैंड, मैं बोलूँगा कि वो उम्र भर याद रहेगा वो जो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर थे हमारे। उसके अलावा सर देखा जाए तो टीम ने जो एफर्ट किया है, टीम ने एफर्ट दिखाया है और जो खेले हैं हम, आई थिंक अच्छी बात है कि हमने अच्छा किया है, अपना बेस्ट किया है। जब भी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं ट्राई की है फिनिश करने की, कभी हुई है कभी नहीं हुई है, बट ओवरऑल टूर्नामेंट को देखें तो डेफिनेटली सर अच्छा रहा है, बट ये नहीं सोचा था कि ऐसे फिनिश करेंगे, बट डेफिनेटली पर वो जो मैच था थर्ड और फोर्थ क्वार्टर हम और ज़्यादा अच्छा कर सकते थे उस टाइम। नो सर लीडिंग नहीं, बट डेफिनेटली हम बॉल पोजेशन थोड़ा और अच्छा रख सकते थे, आई थिंक थोड़ा हम फोर्स कर रहे थे बॉल को के मे बी बॉल कैरी कर रहे थे और यू नो थोड़ा फोर्स पासिस कर रहे थे कि लॉन्ग पास में देख रहे थे ज़्यादा, तो वो हम अवॉइड कर सकते थे, बट उसके बाद जो कार्ड की बात करते हैं, बट कार्ड नहीं देने चाहिए थे हमें, बट फिलहाल ड्यूरिंग कार्ड जब कार्ड भी हुआ था टीम ने अच्छा मैनेज किया आई थिंक, तो थोड़ा वो मेरे ख्याल से वो लगता है कि थोड़ा वो माइंड में रख सकते हैं इस चीज़ को कि जब लीड भी कर रहे हैं तो पोजेशन कैसे रखना है आपको, कैसे पेशेंस रखना है आपको। एक कैंपेन में जब टीम नाइंथ आ जाती है तो नेगेटिव क्वेश्चंस हर वक्त इजी हो जाते हैं कुछ, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे वर्ल्ड कप में व्हाट हैज बीन द बेस्ट फॉर यू, दैट वन मोमेंट दैट यू फील कि ओके दिस इज वन मोमेंट आई एम ऑलवेज गोना रिमेंबर, एंड जस्ट व्हाट इज द मोस्ट पॉजिटिव दैट यू आर टेकिंग आउट ऑफ पॉजिटिव? गुड क्वेश्चन सर। पॉजिटिव सर मेरी टीम, टू बी ऑनेस्ट। पॉजिटिव इज योर टीम? यस, क्योंकि एक टीम ही ऐसी होती है जो हर टाइम आपकी सपोर्ट में रहती है। फॉर मी के चाहे हम मैच जीत भी रहे हैं, क्योंकि हम जीत के भी काफ़ी गलतियां करते हैं, हार के भी करते हैं, एंड जैसे मैंने बताया कि हारे नहीं हम, वही वो जो थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर था, बट मेरे लिए यही पॉजिटिव है कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट टीम एक थी हमारी, और ना ही कोई अकेला जीता था ना ही कोई अकेला हारा था, टीम जीती थी और टीम हारी थी, ये मेरे लिए मैंने इस टूर्नामेंट में ये देखा सर मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे लिए। आपको हर वक्त तीन जगह डिफरेंशिएट किया जाता है, एक डिफेंडर, एक पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्टर जो कि स्कोरर है, 18 गोल प्रो लीग टोक्यो और कप्तान, ये तीनों चीजों में से जो प्रेशर आता है वो कहाँ सबसे ज्यादा आता है, एज अ कैप्टन आपको लगता है या एज अ पीसी कन्वर्टर और एज अ डिफेंडर? सर प्रेशर प्लेयर में ऐसा नहीं होता कि किसी चीज़ का प्रेशर होता है, आई थिंक सिचुएशन होती है सर ड्यूरिंग द मैच, क्योंकि हॉकी आज की में देखा जाए तो बहुत फास्ट हो गई है, आई थिंक उस कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि आप मिस्टेक्स कर रहे हो तो वो मैच में आपको उतना समय नहीं मिलता है, बट इसमें कोई प्रेशर नहीं है सर, एंड डेफिनेटली एज ए डिफेंडर आई थिंक पूरी टूर्नामेंट में हमने बहुत अच्छा डिफेंड किया है इस बार, हमारी डिफेंसिव जो बोलते हैं हमने बहुत इम्प्रूव की है, एंड या डेफिनेटली पीसी की बात करूं तो ये समाज सर हर एक प्लेयर पे आया है आई थिंक, बट आई थिंक इट्स अ गुड लर्निंग फॉर मी के नेक्स्ट जो मैचेस रहते हैं कोई भी टूर्नामेंट है चाहे वो मैच है तो आपको और फोकस की ज़रूरत है आई थिंक, एंड आप अच्छा फिनिश कर सकते हो, एंड आपको पता है आप अपने में बिलीव रखो, आपके टीममेट्स आपके साथ में हैं, एंड ऑफ कोर्स जो कमियां रही हैं आई थिंक जो नेक्स्ट पीरियड रहेगा कोई मेजर टूर्नामेंट से पहले या मैचेस से पहले उस चीज़ों पे वर्क करेंगे सर। कैप्टन थोड़ा सा पीछे चलते हैं,
like what happened, ये जो वेल्स का सब मैच था, everybody was thinking कि मैं मार्जिन विली like 6-0, 7-0 ऐसे, जैसे like जापान को जैसे सिखाया था, totalization. So वेल्स का सब क्या गया? Is it the absence of Hardik or anything? सर जैसे मैंने बोला, he is a good player, no doubt. पर टीम गेम है सर, अकेला प्लेयर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमने वेल्स के साथ खेला है, कॉमनवेल्थ में भी एक्सपीरियंस किया है, एंड फर्स्ट टू क्वार्टर 0-0 था, आई थिंक टू क्वार्टर में एक गोल हुआ था सेकंड क्वार्टर में. तो वेल्स सर इजी टीम नहीं है, फर्स्ट ये चीज़ है. और वर्ल्ड कप में आपको कोई ईजी टीम मिल ही नहीं सकती सर, क्योंकि बिग टूर्नामेंट है. एंड ऑफकोर्स यही माइंड में रहता है कि किसी टीम को ईजी नहीं लेना है, बट जितनी भी हमने कोशिश की है, हमने क्रिएट चांसेस जितने भी किए थे, मैं वही बोलूँगा कि इस चीज़ पे हम और ज़्यादा वर्क कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये बात दोबारा ना दोहराएं कि चांसेस मिले थे. या इस पे आई थिंक हम फोकस कर सकते हैं, बट इसमें हम कैपेबल हैं कि हम क्रिएट कर रहे हैं चांसेस, और जस्ट हमारा नेक्स्ट ड्यूटी है कि हम उसको अच्छे से फिनिश करें बस. लास्ट क्वेश्चन प्लीज. तो अभी एक महीना गैप है अंटिल जो FIH प्रो लीग मैचेस होने वाले हैं मार्च में इधर ही, तो व्हाट डज द नेक्स्ट मंथ लुक लाइक? थोड़ा रेस्ट मिलेगा या डाउन टाइम मिलेगा या अभी बिल्कुल सर, आई थिंक 10-12 डेज का रेस्ट है, उसके बाद देन कंटिन्यू कैंप रहेगा हमारा. आई डोंट नो कहाँ लगेगा, बट यस ये शेड्यूल है. थैंक यू.